सर एक क्वेश्चन करना है। हाँ हाँ जी हफ्सा, ट्वेंटी 23 के पेज नंबर 5 पे। अच्छा ये हम लेक्चर की बात कर लें, डिस्कस क्वेश्चन। जी सर ठीक है ओके। असल में लेक्चर मैंने शुरू कर दिया था, तो मैं सोच रहा था हम पहले इसको एंड कर लेते हैं, देन फिर हम वो डिस्कस कर लेते हैं उसको डिटेल से। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने पैरेलल ट्रांसपोर्ट डिस्कस किया था, और देन उसके थ्रू हमने जियोडेजी की इक्वेशंस डिराइव की थी। सो जियोडेजी की इक्वेशन आपके पास ये थी कि लेट्स सपोज हमारे पास कोई पाथ है, इसको अपने पैरामीटराइज किया हुआ है किसी पैरामीटर लैम्डा के थ्रू, और ये प्रॉपर टाइम भी हो सकता है। देन आपके पास यहाँ पर कोई टेंजेंट वेक्टर मौजूद है यू अल्फा, आप इस यू अल्फा को इसी के अलॉन्ग पैरेलल ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं, और ये आपको एक जियोडेसिक दे रहे हैं। सो जियोडेसिक इक्वेशन हमने पैरेलल ट्रांसपोर्ट के थ्रू लिखी थी कि इसका कोवेरियंट डेरिवेटिव लेना है हमने, और देन इसको कॉन्ट्रैक्ट करवा देना है इसी के टेंजेंट वेक्टर के साथ। देन कोवेरियंट डेरिवेटिव को एक्सपेंड करते हैं, ये बन जाएगा डी स्क्वेयर एक्स ओवर डी लैम्डा स्क्वेयर प्लस जी। कोई मुझे अब अगली टर्म लिखवा सकता है, इसके क्या आएंगे इंडिसेस, कहाँ कहाँ पर आएंगे? जी जी अफसा, एनीवन एल्स? अल्फा अपर में अल्फा यहाँ आ गया, और बीटा आई थिंक लोअर में। और तीसरी इंडेक्स? वो हम 32 यूज हो गई तो तीसरी भी लोअर में। अच्छा कौन में जी? गामा देंगे साथ में या कोई भी और चलें गामा दे देते हैं आगे। साथ में यू के साथ वो होगा गामा। ठीक है, एक यू आके फिर गामा आ जाएगा, तो डी एक्स गामा ओवर डी लैम्डा, और एक और यू भी आना है अभी जी बीटा वाला बीटा वाला। ठीक है, तो आपने नीचे वाले लोअर लोअर दोनों लोअर इंडेक्सेस के यहाँ पर टेंजेंट वेक्टर। बहरहाल ये जो जियोडेसिक इक्वेशन है, ये आपके पास जियोडेसिक जनरलाइजेशन होती है स्ट्रेट लाइंस की। और देन हमने फिर ये भी देखा था कि जब हम पैरेलल ट्रांसपोर्ट करवाते हैं तो आपके पास इनर प्रोडक्ट्स प्रिजर्व रहते हैं। इन पैरेलल ट्रांसपोर्ट इनर प्रोडक्ट्स प्रिजर्व रहते हैं, और इनर प्रोडक्ट्स प्रिजर्व रहने की वजह से आपके पास वेक्टर की लेंथ भी प्रिजर्व रहती है, और आपके पास जो एंगल दो वेक्टर्स के दरमियान होता है या ऑर्थोगोनैलिटी है, वो भी प्रिजर्व रहती है। अच्छा, लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि फ्लैट स्पेस में जो स्ट्रेट लाइंस होती हैं वो हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही डिपिक्ट करती हैं, लेकिन जो जियोडेसिक्स होती हैं ये कर्व्स होती हैं एक्सट्रीम लेंथ की, इनका जो डिस्टेंस है वो शॉर्ट भी हो सकता है और वो लॉन्गेस्ट भी हो सकता है। हमारे स्पेस टाइम के केस में यूजली ये डिस्टेंस लॉन्ग होता है, या जिस तरह की सर्फेसेस हम अभी तक ट्रीट करते आ रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये दोनों ही हो सकते हैं। ये मिनिमल लेंथ कर्व्स भी हो सकती हैं और ये मैक्सिमल भी हो सकती हैं। इसको हम एक बहुत अच्छी एग्जांपल से देख सकते हैं, ट्विन पैराडॉक्स की एग्जांपल से। आपने यकीनन उसके बारे में सुना होगा, और अदरवाइज आप लोगों ने अगर मैंने आप लोगों को शुरू में उसको शुरू से पढ़ने का भी कहा था। बहरहाल ट्विन पैराडॉक्स ये थी कि आपके पास दो ऑब्जर्वर्स होते हैं,
सो एक ऑब्जर्व, दो दो ट्विन भाई हैं, एक ए कह लें एक बी कह लें। जो ए है वो बिल्कुल, अच्छा यहाँ पर आपके पास एक्स है, यहाँ पर टी है। जो ऑब्जर्वर ए है वो रेस्ट की हालत में जमीन पर मौजूद है, स्टेशनरी है, सो उसकी वर्ड लाइन कुछ ऐसी बनेगी। जो ऑब्जर्वर बी है, जो दूसरा ट्विन है, वो किसी स्पीड से एक्सीलरेट करना स्टार्ट करता है, और देन इस डायरेक्शन में, देन फिर एक दफा एक्सीलरेट करने के बाद वो किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल करता रहता है स्पेस टाइम के अंदर। और देन एट सम पॉइंट उसको वो कहता है कि मैंने वापस जमीन पर जाना है, वो अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करता है और वापस डिसेलरेट करना शुरू कर देता है। लेकिन एक दफा डिसेलरेशन स्टार्ट होने के बाद उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है और देन यहाँ पर आके वो रुक जाता है। सो ये कहीं इस पॉइंट के ऊपर ए की वर्ड लाइन को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब क्वेश्चन हमारा ये है कि विच वन इज यंगर। ट्विन पैराडॉक्स में हम यही देखना चाहते हैं, क्योंकि ये ऑब्जर्वर बी जो है ये एक बहुत हाई स्पीड पर स्पेस टाइम में ट्रेवल करके आया है, तो डेफिनेटली इसके लिए टाइम वगैरह के पैरामीटर्स वो नहीं होंगे जो ए के लिए हैं। सो देन यहाँ पर एक क्वेश्चन ये रेज होता है कि विच वन इज यंगर, और हमें पता है कि स्पेशल रिलेटिविटी से बी इज ऑलवेज यंगर देन ए, क्योंकि बी स्पेस टाइम में ट्रेवल करके आया है। क्लियर है ये चीज ना? यस सर। अच्छा, अब हम इसी बात को देखते हैं जियोडेसिक्स की टर्म्स में। जो यहाँ पर ऑब्जर्वर ए है उसकी जियोडेसिक बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है, मिनकाउस्की स्पेस है तो उसके अंदर, और वो रेस्ट की हालत में है तो मिनकाउस्की स्पेस टाइम में उसकी जियोडेसिक स्ट्रेट लाइन ही होनी चाहिए, और ये पार्टिकल जो है ये हमेशा इसी स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव करता रहेगा, ये हमेशा इसी लाइन के अलॉन्ग मूव करेगा, इसकी डायरेक्शन तब्दील नहीं हो रही। सो मिनकॉस्की स्पेस टाइम में ए की वर्ड लाइन असल में एक जियोडेसिक है जो कि स्ट्रेट लाइन बन जाती है, लेकिन पॉइंट बी की जो वर्ड लाइन है वो जियोडेसिक है भी और नहीं भी। वो कैसे कि बी की वर्ड लाइन हर जगह मिनकॉस्की स्पेस टाइम के अंदर जियोडेसिक नहीं है? एक तो ये कि मिनकॉस्की स्पेस टाइम में जियोडेसिक स्ट्रेट लाइंस होती हैं, क्योंकि वो फ्लैट स्पेस टाइम है। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ रीजन्स ऐसे हैं, इनको मैं ब्लू से हाईलाइट करने लगा हूँ, यहाँ पर कुछ रीजन ऐसे हैं जहाँ पर बी असल में इनर्शियल ऑब्जर्वर नहीं है। ये बाकी जितने भी रीजन है यहाँ पर बी इनर्शियल है, इस पूरी लाइन के ऊपर बी की वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ये एक इनर्शियल ऑब्जर्वर है। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये एक इनर्शियल ऑब्जर्वर है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही इसने एक्सेलरेट स्टार्ट करना शुरू किया, चाहे वो नैनो सेकंड्स के लिए क्यों ना हो, लेकिन ये यहाँ पर इनर्शियल नहीं रहा, ये एक्सिलरेट कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पर अपनी डायरेक्शन तब्दील करने के लिए भी इसको इसको अपनी वेलोसिटी तब्दील करनी पड़ी थी, और इसी तरह यहाँ पर रुकने के लिए भी इसको अपनी वेलोसिटी को जीरो करना पड़ा था, डिसेलरेशन हुई है यहाँ पर। सो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं बी की ट्रेजेक्ट्री में जहाँ ये एक्सिलरेट कर रहा है। सो जहाँ पर भी इस वजह से मिनकोवस्की स्पेस टाइम के अंदर बी का जो पाथ है वो नॉन जियोडेसिक पाथ है। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? तो यस सर। लिहाजा अब यहां पर ए का पाथ जियोडेसिक है, बी का पाथ जियोडेसिक नहीं है, और हमें पता है कि ए की उम्र बी की निस्बत ज्यादा होगी जब ये दोनों वापस इस पॉइंट सी पर मिलेंगे। लेकिन आप ये देखें, आप इसको जियोडेजी के साथ रिलेट करें, टॉ ऑफ ए इज ग्रेटर देन टॉ ऑफ बी, दोनों को दो, सो दोनों सो बेसिकली मुझे यहाँ पर टॉ नहीं लिखना चाहिए, मुझे यहाँ पर टी लिखना चाहिए। अच्छा इसका, और हमें पता है कि ए चूंकि रेस्ट की हालत में और वो मिनकॉज की स्पेस टाइम के अंदर ही मौजूद है, वो नॉन एक्सेलरेट कर रहा है, तो वहां पर जो टी है टॉ ए है वो दोनों बराबर ही होंगे। सो चूंकि ए की एज ज्यादा है और ए का पाथ जियोडेसिक है, तो क्या हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जियोडेसिक्स मैक्सिमाइज प्रॉपर टाइम? क्योंकि ए ने जियोडेसिक को फॉलो किया है और ए की उम्र भी ज्यादा है, यानी कि ए का प्रॉपर टाइम बी की निस्बत ज्यादा है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? जी सर।
लिहाजा जो डेजिक्स होती हैं वो हमेशा प्रॉपर टाइम को मैक्सिमाइज करती हैं। ये स्पेस टाइम के अंदर ये आपके पास एक्सट्रीमल कर्व्स होती हैं, ये इनको हर इनको शॉर्टेस्ट नहीं कहा जा सकता। किसी स्पेस के अंदर ये शॉर्टेस्ट होंगे अगर आप न्यूटोनियन मैकेनिक्स कर रहे हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स कर रहे हैं, लेकिन रिलेटिविटी के अंदर ये मैक्सिमल लेंथ्स होती हैं या मिनिमल लेंथ्स होती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन और द कर्वेचर ऑफ द सर्फेस। ठीक है, कुछ आई समझ में बात, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? यस सर। ठीक, तो लेट्स सी कि आज हम लोगों ने अब क्या करना है, और इसको भी हम लोग स्टार्ट करेंगे लास्ट क्लास से। आज हम लोगों ने कर्वेचर के लिए फॉर्मूला डिराइव करना है। अच्छा, इसके लिए मैं एक डायग्राम जरा पहले से कॉपी कर लेता हूँ जो हमने लास्ट लेक्चर में भी बनाई थी, और यही डायग्राम। अच्छा, एक चीज ना आप लोगों को वैसे मैं एक जनरल कमेंट करने लगा हूँ, वो ये कि जब भी आप किसी बुक से या कहीं से भी कोई डायग्राम यूज कर रहे हो ना, तो देन जो भी है आप उनके रेफरेंसेस लाजमी लिखें। मतलब जिस तरह मैंने अपनी डायग्राम पे कैरल लिखा होगा, क्योंकि ये डायग्राम मैंने कैरल से ली थी। सो साइंस के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप किसी के काम को प्रॉपरली साइट कर रहे हो, उसका रेफरेंस दे रहे हो, चाहे वो जितनी मर्जी ही मामूली डायग्राम क्यों ना हो। अगर वो आपने खुद नहीं बनाई तो देन आप लाजमी उसके बारे में बताएं कि आपने कहाँ से लिया। बहरहाल, हम रिकॉल करते हैं कि हमने लास्ट टाइम क्या किया था। हम लोग पैरेलल ट्रांसपोर्ट करवाना चाह रहे थे किसी वेक्टर को पॉइंट पी से नॉर्थ पोल पर, और हमने इसके लिए दो पाथ चूज किए थे। एक वो पाथ था जो डायरेक्टली इस ग्रीन ट्रेजेक्ट्री को फॉलो कर रहा था और ये वेक्टर को यहाँ ले जाता था। एक वो पाथ था जो पहले इक्वेटर के थ्रू ट्रेवल करता है और देन इस ब्लू लाइन के थ्रू वेक्टर को यहाँ ले जाते हैं। लेकिन हमने ये देखा था कि ये जो दो वेक्टर्स यहाँ पर बने हैं, ये दोनों वेक्टर्स ओरिजिनल वेक्टर जैसे नहीं है। ग्रीन वेक्टर भी इस ब्लू या पी वाले वेक्टर से डिफरेंट है और ब्लू वेक्टर भी डिफरेंट है, और ये दोनों सेम डायरेक्शन में पॉइंट आउट नहीं कर रहे। उसकी वजह ये कि हमने डिफरेंट पाथ्स चूज किए हैं, और कर्व्ड स्पेसेस के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो पाथ डिपेंडेंट होती है, जबकि फ्लैट स्पेसेस में ये पाथ इंडिपेंडेंट है। सो यहाँ से हमने उस वक्त एक बात ये कही थी कि अगर आपके पास फाइनल वेक्टर, इनिशियल वेक्टर जैसा ना आए आफ्टर पैरेलल ट्रांसपोर्ट, सो ये इस बात की निशानदेही करता है कि आपकी सरफेस कर्व्ड है, आपकी सरफेस में कर्वेचर मौजूद है। तो लिहाजा हम दो पाथ को इसे लेते हैं और देन फिर देखते हैं कि वेक्टर्स के अंदर डिफरेंस कितना आ रहा है। जैसे यहाँ पर ये डिफरेंस, सो लेट मी से कि ये डिफरेंस ये वाला आ रहा है। ये जो डिफरेंस है दोनों वेक्टर्स में, ये डिफरेंस आपको कर्वेचर की इंडिकेशन देता है, ये आपको कर्वेचर के बारे में बताता है कि इसमें कितना कर्वेचर मौजूद है। जितना ज्यादा ये सर्फेस आपकी कर्व्ड होगी, उतना ही ज्यादा वेक्टर्स के दरम्यान डिफरेंस होगा। जितनी सर्फेस कम कर्व्ड है, उतना कम डिफरेंस होगा। ये वो बात थी जो हमने लास्ट टाइम की थी। लेकिन अब अगला क्वेश्चन ये है कि ये डिफरेंस कैसे कंप्यूट किया जाए, और ये डिफरेंस आप ऐसे कंप्यूट नहीं कर सकते मिसाल के तौर पर कि इसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास x1 x2 आ रहे हैं, सॉरी x1 y1 आ रहे हैं, और इसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास x2 y2 आ रहे हैं, तो आप ये कहें कि हमने डिफरेंस लेना है, तो x2 माइनस x1 i हैट प्लस y2 माइनस y1 j हैट करें, इनका डिफरेंस आ जाए, ये रिजल्ट है। नहीं, ऐसे आप नहीं कर सकते। ये कार्टीजियन, ये हम काम करते हैं फ्लैट स्पेसेस के अंदर, कार्टीजियन सिस्टम है। अब तो हमारा हमारी हमारी स्ट्रक्चर ही कम्प्लीटली डिफरेंट हो चुके हैं, तो लिहाजा ये हम डिफरेंसेस ऐसे कंप्यूट नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा टेक्निकल काम करना पड़ेगा। लेट्स सी कि हम वो काम कैसे कर सकते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है कर्वेचर वाला, और जो मैंने पिछले कुछ लेक्चर्स दिए थे आपको याद होगा, ये हम काम कर रहे हैं शुट्स की बुक से। तो ये डायग्राम भी मैंने शुट्स से ही हम कॉपी कर लेते हैं। मैंने कभी आप बता दो कभी भी आप मैंने सॉरी, किसी का माइक ऑन है। चलिए, हम ना डायग्राम कॉपी करते हैं शुट्स की, और फिर हम इसके बारे में बात करते हैं।
अच्छा ये एक बड़ी ही खूबसूरत एक डेरिवेशन है कर्वेचर के लिए, वो ये कि हमने कोऑर्डिनेट चूज कर लिए हैं एक्स वन और एक्स टू। मैं पहले दो कोऑर्डिनेट्स लूंगा और बाद में हम इसको जनरलाइज करेंगे इस चीज को। तो हमने दो आर्बिट्रेरी कोऑर्डिनेट्स ले लिए हैं एक्स वन और एक्स टू, और यहाँ पर हमने सो बेसिकली और हमने उनका एक क्लोज लूप कंसिडर कर लिया है ए बी सी डी ए। ये जो डेल्टा ए और डेल्टा बी है ये बहुत स्मॉल डिस्टेंसेस हैं, ये ए और बी के अंदर आने वाली चेंजेस हैं। तो यहाँ पर आपने एक कोऑर्डिनेट ड्रॉ किया था, लेट्स सपोज कि ये किया था एक्स वन इज इक्वल टू ए, और देन आपने यहाँ पर एक और कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लिया था इसमें थोड़ा सा एडिशन करके, जितना इसको स्मॉल रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छी अप्रोक्सीमेशन आती है। देन आपने यहाँ पर एक और कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ कर लिए थे, ये बन गया था आपके पास एक्स टू इज इक्वल टू बी, और इसी तरीके से यहाँ पर एक आ गया था एक्स टू इज इक्वल टू बी प्लस डेल्टा बी, और यहाँ पर आपने एक इनिशियल और इसको कह दिया कि ये ए बी सी डी क्लोज लूप है आपके पास। आपने यहाँ पर आपके पास एक वेक्टर मौजूद है, ये वेक्टर है, आपने इस वेक्टर को पैरेलल ट्रांसपोर्ट करवाना है, जिस तरीके से भी आप करवाते हैं आपको पता है इन सारी बातों का। सो ये पैरेलल ट्रांसपोर्ट करवाने के बाद आपको यहाँ पर ये वाला वेक्टर मिल जाता है, ये वेक्टर मिल जाते हैं। अब ये इनका जो डिफरेंस है ये आपको कर्वेचर बता रहे हैं। अब ये कर्वेचर असल में हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है? स्कीम क्लियर है? जी सर। ओके सो लेट्स डू सम मैथमेटिक्स नाउ। आपके पास एक वेक्टर है v, आपने इसको पैरेलल ट्रांसपोर्ट करवाना है। सो पैरेलल ट्रांसपोर्ट की जी सर सर उसके पॉइंट सी पे सर इसके पॉइंट सी पे इसके इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे ए प्लस डेल्टा ए और बी प्लस डेल्टा बी। हाँ इस तरह? हाँ जी। ओके सर ठीक है। लेकिन हमने इसको असल में पॉइंट सी पर वैल्यूएट नहीं करना, हम अभी हम देखते हैं कि हम इसको कैलकुलेट कर, हमने असल में कंपेयर इसको करना है पॉइंट ए पर वापस पहुंचने के बाद। सो असल में हमें जरूरत ही नहीं है देखने की कि पॉइंट सी पर इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, क्योंकि हम पॉइंट सी डी और बी को असल में वेक्टर पॉइंट ए की सूरत में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है? तो हमें असल में अभी देखा हम देखेंगे कि हमें इसकी जरूरत ही नहीं है देखने की कि पॉइंट सी पर उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, लेकिन हमें इस डायग्राम को बार बार विजुअलाइज करने की जरूरत पड़ेगी। तो बहरहाल आपके पास वेक्टर वी था, उसे आपने ट्रांसपोर्ट करवाया है, पैरेलल ट्रांसपोर्ट की इक्वेशन लिख लेते हैं, यू बीटा डेल्टा बीटा यू अल्फा इज इक्वल टू जीरो। इसको कोवेरिएंट डेरिवेटिव को ओपन कर लेते हैं। अब ये देखें, अब ये जो इक्वेशन है ना ये आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए, ये जितनी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और जितना ज्यादा जितनी दफा हम इनको इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो बहरहाल ये u इज इक्वल टू जीरो, u बीटा कॉमन ले लेते हैं, अब यहाँ पर अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ये जो आपने इसको ट्रांसपोर्ट करवाया है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पैरेलल ट्रांसपोर्ट, फ्रॉम ए टू बी। अब ये जो पैरेलल ट्रांसपोर्ट हो रहा है ये बेसिकली इस डायरेक्शन में हो रहा है, आप इसको यहां पर लेके जा रहे हैं, ये डायरेक्शन आ रही है अलोंग द वेक्टर अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वन, ठीक है। आप बेसिकली इसको इसके पैरेलल ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं ना, इस पाथ के पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल ट्रांसपोर्ट। जी x2 है ये सर? नहीं, आप इसको x2 बेसिकली x2 तो पॉइंट है, वो पॉइंट है आपके पास x2, आपके पास ये इस लाइन के कोऑर्डिनेट्स हैं। आप इसको पॉइंट आपका पड़ा हुआ है इस वक्त यहाँ पर, आप इसको इस लाइन के ऊपर
ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं इस लाइन के ऊपर, ए से बी पर। ओके सर। तो बेसिकली आप इसको इस एक्स वन के अलोंग ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं। सो एक्स वन के अलोंग ट्रांसपोर्ट करवाने का मतलब ये कि इसके कुछ बेसिस वेक्टर्स होंगे। सो इसके बेसिस वेक्टर्स ई वन होंगे और इसके बेसिस वेक्टर्स ई टू होंगे, लेकिन चूंकि आपकी ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ इसके अलोंग हो रही है तो लिहाजा यहाँ पर सिर्फ ई वन का जो कॉम्पोनेंट है वो जीरो होगा, सॉरी वो नॉन जीरो होगा, और बाकी जितने भी आपके पास कॉम्पोनेंट्स आ रहे हैं वो जीरो होंगे। ये बात कुछ समझ में आ रही है या इसमें है अभी भी कोई कंफ्यूजन? लेकिन अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो हम उसको देख लेते हैं दोबारा से। सर ये वेक्टर की ट्रांसपोर्टेशन x1 के परपेंडिकुलर है, x2 के अलोंग है, बी तक, ए बी तक। एक मिनट, इसकी ट्रांसपोर्टेशन की डायरेक्शन नहीं, इसको इसको हम इस तरीके से नहीं, इसको हम इस तरीके से नहीं ना देख रहे हैं कि ये इसके परपेंडिकुलर है x2। बेसिकली अगर आप आप मतलब देखें, जब आप इसको यहाँ पर a से b पर लेके जा रहे हैं तो क्या x2 में चेंज आ रही है? नहीं, चेंज कौन से कोऑर्डिनेट में आ रही है? x1 से लेकर बेसिकली इस लाइन के ऊपर चेंज आ रही है, इस लाइन के ऊपर x1 के अलोंग चेंज आ रही है। जी सर। तो दैट्स व्हाई फिर इसका जो क्योंकि इसमें तो चेंज ही नहीं आ रही तो इसके बेसिस वेक्टर तो फिर जीरो होंगे। जी जी सर, ठीक है जी। सो इसका मतलब है कि यहां पर इसमें ये वेक्टर आपके पास है अलोंग x1, इस बात का मतलब ये हुआ कि सिर्फ e1 जो है वो नॉन जीरो है एंड e0, e2, e3 अगर ये मौजूद हैं, क्योंकि हम सिर्फ दो कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं तो बाकी तो खैर मौजूद ही नहीं होंगे, लेकिन अगर वो हैं भी तो टू और थ्री वो भी जीरो होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बीटा की सिर्फ एक ही वैल्यू मौजूद है और वो कौन सी है? बीटा की बाकी हाँ वन, बाकी सारी वैल्यूज के लिए तो बेसिस वेक्टर जीरो हैं, तो यानी कि फिर वो वेक्टर भी जीरो होंगे। ठीक है? यस सर। तो अब हम इसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फॉर बीटा इक्वल्स वन। जब हम कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा यू वाला वेक्टर और बाकी सारी जगहों पर वन वन आ जाएगा बीटा की जगह पर। सो पार्शियल वन v अल्फा, हमने कॉन्ट्रैक्शन कर दी है, अल्फा वन म्यू v म्यू इज इक्वल टू जीरो। सो ये अब इक्वेशन आपके पास बन गई पार्शियल v अल्फा ओवर पार्शियल x वन अल्फा म्यू वन v म्यू इज इक्वल टू जीरो। और इससे फर्क नहीं पड़ेगा मैं वन म्यू लिख रहा हूँ या म्यू वन लिख रहा हूँ, क्योंकि ये नीचे वाली दोनों इंडेक्सेस लीवी चिविटा कनेक्शन के लिए सिमेट्रिक होती हैं। सो अब ये चीज बन गई पार्शियल वी अल्फा ओवर पार्शियल एक्स वन इज इक्वल टू माइनस पार्शियल अल्फा म्यू वन वी म्यू इज इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन को आप लोगों ने ना आप ध्यान में रखना है, एक इम्पोर्टेंट इक्वेशन आखिर में काम आएगी। अच्छा, ये आपने चेंज कंप्यूट की है सिर्फ एक छोटे से पाथ के पैच के ऊपर, ठीक है? आपने मतलब उस ग्रिड का एक छोटा सा पॉइंट ले लिया, लेकिन अगर आप पूरी सरफेस पे कंप्यूटेशन करना चाह रहे हैं तो आपको असल में इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा टोटल चेंज कंप्यूट करने के लिए। ठीक है सर, आपने इसके स्टार्ट में u1 क्यों नहीं राइट किया? हमने कॉन्ट्रैक्शन करवा दिया यहाँ पर, u1 तो इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया इसके साथ, तो मतलब इसकी वैल्यू सिर्फ तो अब देखें अगर हम बीटा अगर मैं कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा हूँ तो इसका मतलब है कि अब आपके पास
सिर्फ बीटा इज इक्वल टू वन के लिए ये इक्वेशन, ये जो पूरी इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो रही है, बाकी किसी के लिए सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो हमने असल में आप देखें, हमने यहाँ पर बीटा पर वन लिख दिया और देन फिर हम अब ये कह रहे हैं कि जब, अब जारी बात है कि क्योंकि वन के अलोंग ही पूरी की इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो यू वन तो नॉन जीरो होगा, ये तो जीरो नहीं हो सकता क्योंकि इसका बेसिस वेक्टर नॉन जीरो है। जी सर। लेकिन अंदर जो पैरेंथेसिस वाला पार्ट है वो जीरो हो सकता है। ओके सर, ठीक है। बेसिकली दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। यस सर। अच्छा, अब आपने इसको करना है इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेट करने का मतलब ये है कि आप, अब आपके पास कोई इनिशियल वेक्टर होगा, इंटीग्रेशन यील्ड्स, आपके पास कोई इनिशियल वेक्टर है वी अल्फा किसी पॉइंट बी पर, फाइनल माइनस इनिशियल, यही आपके पास चेंज आती है और ये चेंज आप कैलकुलेट करते हैं असल में पूरे पाथ पे इंटीग्रेट करके। कौन से पाथ पे इंटीग्रेट करना है इस वेक्टर को? इसको इंटीग्रेट करना है डी एक्स वन पे, ठीक है। आपने वेक्टर के अंदर चेंज देखनी है ना कि ए से बी तक जाने में कितनी चेंज आई है। यस सर। ये वो चेंज आ गई और ये उस पूरे पाथ के ऊपर आपने उसको इंटीग्रेट कर लिया। ओके। अच्छा, अब हमें, हम असल में हम तो इंटरेस्टेड हैं इस पाथ में कि पॉइंट बी के ऊपर वेक्टर क्या मिलता है, तो लिहाजा मैं ए को दूसरी साइड पे ले जाता हूँ। अब हम यहाँ पर रिप्लेसमेंट करते हैं। यहाँ पर हमने देखा था कि पार्शियल वी अल्फा और पार्शियल एक्स वन असल में इस चीज के बराबर है, सॉरी यहाँ पर जीरो नहीं आएगा, तो अब ये सारी रिप्लेसमेंट कर देते हैं यहाँ पर। सो वी अल्फा बी, वी अल्फा ए माइनस अल्फा म्यू वन वी म्यू डी एक्स वन, ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई है। ये बेसिकली आपके पास फाइनल वेक्टर है जो पॉइंट बी पर आपको मिल रहा है, ठीक है। यस सर। अच्छा, अब मैं यहाँ पर ए और बी की लिमिट्स भी लगा देता हूँ, अब मैं यहाँ पर वो लगा देता हूँ। अब देखें कि पॉइंट ए के ऊपर क्या लिमिट आ रही है, इस पॉइंट के ऊपर ए, पॉइंट बी पर क्या आ रही है ए प्लस डेल्टा। ठीक। यस। अच्छा, तो यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा, लोअर लिमिट क्या बनेगी ए और अपर लिमिट ए प्लस डेल्टा ए। ये इक्वेशन समझ में आ गई है मुकम्मल तौर पर? यस सर। अब आप दोबारा से अपने हफ्ता उस क्वेश्चन को देखें जो आपने कहा था कि यहाँ पर बी के लॉन्ग चेंज कर रहे हैं हम, तो अगर मेरे पास ए और बी के अपर लिमिट, लोअर और अपर लिमिट बी आ रही होगी तो फिर आपका सेम लिमिट के लिए इंटीग्रल क्या देगा? मतलब बी से सी तक, ये अगर ये चीज हो यहाँ पर कुछ भी लिखा हो तो ये चीज क्या देगा? जीरो। जीरो बेसिकली इसका मतलब है चेंज इसके लॉन्ग तो आ ही नहीं रही, सो दैट्स व्हाई हम वहां पर। अब ना मैं इस डायग्राम को कॉपी करके नीचे लिखने लगा हूँ, आपने इस डायग्राम को ध्यान में रखना है और अब बस मैं अगली चार इक्वेशन लिखने के लिए ना मैं सिर्फ डायरेक्ट इक्वेशन लिखूंगा, लेकिन आपको हिंट देता हूँ और आपने मुझे वो इक्वेशन लिखवानी है। एक तो इस, सॉरी ये क्या हो गया, और एक चीज,
अब इन दोनों चीजों को रखें जहन में, और मुझे अब आपने इक्वेशन लिखवाने कि मैं बी से सी पर इसको कैसे पैरेलल ट्रांसपोर्ट करूंगा। मैं एक इक्वेशन और आपको लिख के दिखा देता हूँ इन हिंट्स के जरिए। अच्छा, अब आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं फॉर बी टू सी, इसकी हमें जरूरत नहीं है इस लाइन की। अब आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं इसके अलॉन्ग, तो यहाँ पर चेंज किसके अलॉन्ग आ रही है, यहाँ पर कौन सा बेसिस वेक्टर नॉन जीरो होगा? x2। तो बेसिकली जहां जहां पर आपने वन लगाया था वहां वहां पर क्या होना चाहिए? टू। अब हम देखते हैं कि आपको फाइनल वेक्टर चाहिए c पर, तो आपको और आपका इनिशियल वेक्टर कौन सा है? b। इस इक्वेशन को भी बेशक ज़हन में रखें, इस इक्वेशन को भी हम लिख रहे हैं। इसी को यहाँ को भी हम अच्छा माइनस लिमिट्स क्या आएंगी? लिमिट्स के लिए आपने जाना है बी से लेकर सी तक, तो लोअर लिमिट आनी है बी की, वो तो लिमिट बी अपर बी बी प्लस लैम्डा और वो डेल्टा बी। मैं दोबारा देखें, अब आप इसके अलोंग चेंज कर रहे हैं, इसके अलोंग तो आप जा रहे हैं लोअर लिमिट बी होगी सर और हायर लिमिट बी प्लस डेल्टा बी। अब यहाँ पर क्या आएगा? पहले क्रिस्टोफर सिंबल आना है, फिर वेक्टर आना है। वेक्टर हमें पता है म्यू आएगा, इंटीग्रेशन हम एक्स टू के अलोंग कर रहे हैं वो आएगी, यहाँ पर अल्फा आ जाएगा, यहाँ पर म्यू आ जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा? टू। ये बन गई क्वेश्चन नंबर थ्री। अब आ जाए सी से डी पर। अब सी से डी पर आप लोग बगैर डायग्राम को देखे भी लिखवा सकते हैं वी अल्फा डी, सॉरी वी अल्फा डी इक्वल्स टू वी अल्फा माइनस। अब लिमिट्स क्या आएंगी? अब इसकी डी पर आ रहे हैं हम सी से डी तक। हाँ, लोअर लिमिट होगी ए प्लस डेल्टा ए और हायर लिमिट बी प्लस डेल्टा बी। नहीं, सी से डी पर आ रहे हैं इसकी लॉन्ग चेंज आ रही है। सी से जब डी पर आ रहे हैं आप, तो असल में इस लाइन के लॉन्ग चेंज आ रही है, तो ये इसके कोऑर्डिनेट आ रहे हैं लोअर लिमिट ए प्लस डेल्टा ए और सर हायर लिमिट ए होगी। हाँ ए होगी ना, बी प्लस डेल्टा बी नहीं होगी, ए होगी जी ए। अब लिमिट्स रिवर्स हो गई हैं और अंदर वही चीज आ जाएगी अल्फा म्यू वन वी डी एक्स वन, और इसी तरीके से आप वापस डी से जब ए पर पहुंचेंगे तो वी अल्फा ए, मैं इसको ए फाइनल कह देता हूँ, वी अल्फा डी माइनस। अब वो तो बहुत आसान है लिखना, बी प्लस डेल्टा बिल्कुल इसका ये सारी क्वेश्चंस आ गई आपके, ये बन गई क्वेश्चन नंबर फोर, ये बन गई क्वेश्चन। क्लियर? यस सर। तो अगर आपने चेंज कंप्यूट करनी, अच्छा मैं अब ऐसा करता हूँ, मैं इसको इनिशियल कह देता हूँ, इसके साथ मैंने आई लगा दिया, दैट्स फॉर इनिशियल वेक्टर। अगर आपने चेंज कंप्यूट करनी है तो फिर आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? आपको डेल्टा वी अल्फा कैलकुलेट करने के लिए वी अल्फा ए फाइनल सब्ट्रैक्ट करेंगे। हाँ जी, वी अल्फा ए इनिशियल चाहिए। अच्छा, अब उसके लिए आप क्या करेंगी? मैंने ना हैंड आउट में डिटेल से कैलकुलेशन कर दी, लेकिन ये इतनी मुश्किल नहीं है। आप यहाँ से ये डी वाली इक्वेशन पुट करें यहाँ पर, इधर एक सी आ जाएगा, फिर सी वाली इक्वेशन यहाँ पर पुट करें बी आ जाएगा, फिर ये बी वाली इक्वेशन पुट करें और आपके पास सारी की सारी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ ए आ जाएगी। ठीक है, ए आए, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट, ये मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से हैंड आउट से, ये कैलकुलेशन बजाय करने के बजाय।
सो ये सारी क्वेश्चंस आपके पास बन गई थी, आपने ये चीज कैलकुलेट करनी है। जस्ट अ मिनट। सो ये मैंने डी की इक्वेशन लिखी, देन डी में मैंने सी पुट कर दिया सारा, फिर मैंने सी की इक्वेशन लिखी, वहां पर ये चीज बन गई। ये जो जो मैंने रेड में लिखा हुआ है, मैंने इन रेड की भी इक्वेशन पुट करते जा रहे हैं। फिर ये मैंने बी वाली इक्वेशन लिख दी, बी वाली कोई लिखी तो उसमें एक और ए आ गया था, लेकिन मुझे पता है कि इनिशियल वेक्टर तो वही आपके पास है, उसको मैंने इसलिए दोनों तरफ ए कह दिया है। देन ए इस ए से ये कैंसिल हो गया है, आपके पास सिर्फ ये चीज बच गई है। ठीक है, आपके पास सिर्फ यस क्रिस्टोफर सर। इंटीग्रल्स बच गए हैं। ठीक होगी बात यहाँ तक? यस सर। अच्छा अब ना मैं ये सारी कोई ना कॉपी ही कर लेता हूँ ताकि हम लोग इनको देख सकें। सो ये मेरे पास फाइनल फॉर्म बन गई थी क्वेश्चंस की। अच्छा अब मैंने ये किया कि मुझे ना इनकी लिमिट्स चाहिए थी सेम, तो मैंने और मुझे लिमिट्स, सारी बात है कि लोअर लिमिट जो होगी उसके अंदर मैं नहीं चाह रहा कि चेंज हो, अपर लिमिट चेंज वाली होनी चाहिए। तो बहरहाल तो मैंने सारी लिमिट्स ए टू ए प्लस डेल्टा ए और बी टू बी प्लस डेल्टा बी कर ली। तो यहाँ पर इस रेड इंटेग्रल का मैंने लिमिट से रिवर्स करूंगा तो पॉजिटिव साइन आ जाएगा, यहाँ पर रिवर्स करूंगा तो पॉजिटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, जी सर। अच्छा यहाँ तक होगी बात की। अब डी एक्स वन और डी एक्स टू के इंटेग्रल हमने कर लिए सेम, लेकिन अब आप फॉरन से एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, वो ये कि टेक्निकली तो ये वाली जो टर्म है, ये और ये टू और ये वन, ये दोनों सेम नहीं है? लुक यस सर, सीमिंग सेम तो ये है, सेम है ना? कैंसिल हो जाएंगे। ये कैंसिल, अगर ये दोनों कैंसिल हो रही हैं तो फिर तो बाकी दोनों टर्म्स भी कैंसिल हो रही हैं। यस सर, वो भी सेम है, जीरो आ जाएगा फिर अगर वो भी सेम है तो फिर डिफरेंस। चेंज क्या आ रही है? डेल्टा वी अल्फा क्या है? जीरो। जी एक्चुअली तो चेंज हाँ, है वेक्टर एक्चुअली तो में। चेंज आ रही है। ये देखें यहां पर हमने देखा था कि चेंज तो आ रही है। यस सर। अब ये चीज समझने के लिए कि ये इक्वेशन सेम नहीं है, डिफरेंट है, दोबारा से इस डायग्राम को मैं नीचे कॉपी करने लगा हूं। मैं इस डायग्राम को दोबारा से यहां पर कॉपी करने लगा हूं, और आप लोग ये भी देख सकते हैं कि मैंने यहां पर ये लिखते हुए मैंने इसके नीचे ना कुछ लिमिट्स लगाई हुई हैं। सो अब हम देखते हैं कि लिमिट्स का काम क्या था। अब बी प्लस डेल्टा बी को देखें, जो टर्म पॉजिटिव आ रही है यहाँ पर, सो ये वाला इंटेग्रल पॉजिटिव आ रहा है, ये इसके साथ पॉजिटिव साइन है ना, इस क्रिस्टोफर सिंबल के साथ, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि मैंने ये चीज लिखी है। बी प्लस डेल्टा बी में आप कौन से इंटेग्रल को कंप्यूट कर रहे हैं? ये वाला इंटेग्रल था जिसमें आप गए थे बी से बी प्लस डेल्टा बी पर, और जस्ट अ मिनट, जब आपने बी से सी पर ट्रांसपोर्ट किया था, ठीक है, तो आपने तो असल में आपने उस वक्त कंप्यूटेशन की थी इसके अलोंग, और जब आपने वापस बैकवर्ड ट्रांसपोर्टेशन की थी डी टू ए पर, तो फिर आपके पास ये सेकंड इंटेग्रल आ गया था जिसमें लिमिट सी नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब या इसकी जो लिमिट्स हैं इस इंटेग्रल की, जब आप बी से सी पर जा रहे हैं तो वो तो ऑलरेडी आपके पास बी प्लस डेल्टा बी है, लेकिन जब आप डी से सी पर जा रहे थे तो आपके पास लिमिट सी बी प्लस डेल्टा बी से डी तक। इज दैट इट? यस सर। ओके ठीक है। अब आपके पास जो नेगेटिव का साइन आया है, अब इसको देखें, ये अब आपको थोड़ा सा और ध्यान लगाना पड़ेगा कि ये वाली जो कर्व है म्यू टू वी म्यू, जो पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव आने का मतलब है ये, इसके आने का मतलब है ये वाली चीज, जब आप गए हैं बी से
प्लस डेल्टा बी से बी पर, डी से ए पर, ये चेंज किसके अलोंग आ रही है, कौन से पॉइंट पर चेंज आई है, एक्स वन इज इक्वल टू ए पर? जी सर। तो मैंने यहाँ पर इसको इसको मैं किस पॉइंट पर वैल्यूएट कर रहा हूँ, ए पर, ठीक है सर। डी से ए में जाते हुए तो चेंज, आप पॉइंट डी पर थे ना, आप इस एक्स वन इज इक्वल टू ए पर थे ना? जी सर। आप इस पॉइंट पर वैल्यूएट कर रहे हैं इसको, x2 में है चेंज डी से ए तक, x2 में है चेंज, x2 में, लेकिन अब इस चीज को भूल जाएं, वो चेंज हमने यहां पर सम अप कर ली है, हम ये देख रहे हैं कि आपका वेक्टर किस पॉइंट से इनिशिएट हुआ था, वो पॉइंट तो आपने उस पॉइंट के ऊपर वैल्यूएशन करनी है ना? यस सर। वो पॉइंट यहां पर डी है, डी के कोऑर्डिनेट्स यहां पर क्या आ रहे थे इस लाइन के अलोंग, x1 = a, जी सर, वो मैंने यहां पर a लिख दिया, और ये जो पहले वाला वेक्टर आ रहा था ये था आपके पास b2 c, यहाँ पर आपके पास evaluation कहाँ पर हो रही है, x के कौन से coordinates, x1 के कौन से coordinates हैं यहाँ पर? a plus delta a। हाँ, अब असल में पहले आपने transportation की थी, आपने ये वो वाले coordinates लिखे हैं, ये वो वाले limits लिखे हैं जिन पे आपने transportation की है, यहाँ पर आप वो लिख रहे हैं कि आपका वेक्टर किस पॉइंट के ऊपर मौजूद है, आप कहाँ evaluate करना चाह रहे हैं, ओके सर, ठीक है जी। यहाँ पर देखें, आप इसको देखें, जो पॉजिटिव वाली टर्म है जिसको आपने यहाँ पर ना, मैंने एक माइनस का साइन भी कॉमन ले लिया है, तो वो आई थिंक लिखना था मुझे यार, नहीं इट सीम्स कि यहाँ पर पॉजिटिव का ही साइन आ रहा है, ये पॉजिटिव का साइन ही है, बहरहाल हम क्या बात कर रहे थे, हाँ इसी तरीके से अब यहाँ पर देखें कि जब आप जा रहे हैं सी से डी पर, तो आपके पास इवैल्यूएशन किस पे हो रही है, बी प्लस डेल्टा, लेकिन जब आप ए से बी पर जा रहे हैं तो आप इवैल्यूएशन किस पे हो रही है, डी पर, यस सर। तो असल में चूंकि इवैल्यूएशन पॉइंट्स दोनों क्रिस्टोफर सिंबल्स के डिफरेंट है, लिहाजा ये दोनों सेम नहीं होंगे, यानी ये इंटेग्रल भी जीरो नहीं होंगे, नहीं होंगे क्योंकि हम उसको वैल्यूएट डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर कर रहे हैं, ये बात समझ में आई है, ये थोड़ा सा बस थोड़ा सा सोचने वाला पॉइंट है, जी सर समझ आ गया सर। ओके दैट्स गुड देन। अच्छा अब हम इनको अप्रोक्सीमेट करने लगे हैं इन इन कोऑर्डिनेट्स को, एक मिनट में यहाँ पर भी पॉजिटिव साइन लगा दूँ, फिर मैं बाद में भूलना चाहूँ, देन मैं इसको वैल्यूएट कर दूँगा। अच्छा अब हमने अप्रोक्सीमेशंस कुछ कर दी है, अब वो अप्रोक्सीमेशंस हमारी कैसी होंगी, वो इस तरीके से हम लोग करेंगे कि हम लोग काम करें बहुत स्मॉल नेबरहुड्स में, तो लिहाजा अब हम इनको कंप्लीट डेरिवेटिव्स के साथ एक्सचेंज कर देंगे, या ये कहना बेहतर होगा कि हम अब इन इन पार्शियल डेरिवेटिव, अब हम इन इन क्वांटिटीज को इनके फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स के साथ रिप्लेस कर देंगे, ठीक है? यस सर। अब वो काम कैसे करेंगे, वो इस तरीके से करेंगे कि पहले हम ये वाली इक्वेशन अलग कर लेते हैं, असल में अब ये है कैलकुलस वन है, आई डोंट नो कि अब ये कैलकुलस आप लोगों ने कितने अच्छे तरीके से की हुई है, बट बहरहाल यहाँ पर पहले तो मैं माइनस का साइन कॉमन ले लेता हूँ, माइनस का साइन कॉमन लेने से ये प्लस बन गया और ये माइनस बन गया, सो ये फाइनल माइनस इनिशियल हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल होने का मतलब है कि अब मैं यहाँ पर, और चूंकि मैं अप्रोक्सीमेशन कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर सिंबल भी उसी का लगा देता हूँ, बी टू बी प्लस डेल्टा बी, किस कर्व पे किस किस किसके लॉन्ग चेंज आ रही है, ए प्लस डेल्टा ए से ए, और ये वाली डायरेक्शन आपके पास है एक्स वन की, ठीक है? यस
जी सर, इनके दरमियान आ जाएगा जिन जिन चीजों को आपने वैल्यूएट किया, ये पूरी क्वांटिटी आ जाएगी, अल्फा म्यू टू बी म्यू, और ये अभी डीएक्स टू तो बाहर वैसे भी, लेकिन इस पूरे पाथ पर चेंज कितनी आई है, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल विच इज जस्ट डेल्टा ए। क्लियर? दिस इज जस्ट पार्शियल डेरिवेटिव। Of alpha mu to v mu along delta a direction. Sir, इसमें bracket से बाहर partial partial over partial x one ये कैसे आया? Derivative की definition यहाँ पर use कर रहे हैं हम लोग, या ये कह लें कि derivative की first order approximation है ये। Okay sir, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपके पास कोई फंक्शन हो f of x plus h, आप इसको कैसे कर कैसे लिखते हैं, f of x at some point zero जो भी आ रहा है, then इसका first order derivative आ जाता है, ठीक है, और साथ में वो जो भी आपके पास f of, आप मुझे अब exact किया f of x minus ही आप करते हैं, करते हैं सर, इसमें h वेरिएबल है या कांस्टेंट है? एज कोई कांस्टेंट है, बेसिकली ए है ये। जी सर, ठीक है। पॉइंट के गिदा को एप्रोक्सीमेट करते हैं। तो सो ये बेसिकली अब आपके पास ये जो चीज है ये बन गई x + डेल्टा a, और ये चीज बन गई आपके पास f of a, और ये आपके पास यहां पर आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव, और यहां पर वो जो भी आपके पास डायरेक्शन आ रही है f of x - a, चलिए फिलहाल लिख देता हूं मैं। तो ये दिस इज जस्ट डेल्टा a माइनस एफ ऑफ ए, ये आपके पास बन गया डी एफ ओवर डी एक्स, और ये जो भी डायरेक्शन आ रही है मैं इसको यहाँ पर डेल्टा ए कर देता हूँ। सो दिस इज जस्ट दैट थिंग, इट्स द फर्स्ट ऑर्डर एप्रोक्सीमेशन ऑफ डेरिवेटिव। क्लियर? जी सर। इसी तरह हम इसके लिए भी लिख सकते हैं, इसके लिए क्या बनेगी फिर, ये ब्रैकेट वाली थिंग डेल्टा बाय डेल्टा एक्स को, जी सॉरी यहां पर वन आएगा, हाँ जी समझ में आई बात? यस सर। अच्छा अब ये इक्वेशन दोबारा लिख देते हैं मैं सारी अप्रोक्सीमेशन के साथ। तो डेल्टा वी अल्फा इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू माइनस बी टू बी प्लस डेल्टा बी पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स वन फ्रॉम यू टू वी म्यू और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज यहीं से आपको देखने में नजर आनी चाहिए कि ये जिस चीज के ऊपर आप इंटीग्रेट कर रहे हैं और जो जो पॉइंट्स इस कर्व के अंदर आ रहे हैं वो डिफरेंट हैं। तो यहाँ पर आप टू आया हुआ है, यहाँ पर वन आया हुआ है, यहाँ पर टू लिखा हुआ है, तो अंदर ऑपोजिट पॉइंट्स आ रहे हैं। सो ये पूरा आपको ना पूरी इंटीग्रेशन का मैकेनिज्म यहीं से क्लियर हो जाता है, और वो फिर आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि जो आपने लिमिट्स ली हुई है वो बेसिकली इस कॉन्ट्रेक्शन के अलोंग आ रही है, और वो सारा सेटअप यहीं से आपको समझ में आ जाता है। बहरहाल कुछ समझ में आया है काम के अभी तक हमने क्या किया है? जी सर। आई नो कि ये इतना आसान काम नहीं है, ये पूरी की पूरी कैलकुलस की रिवीजन चाहता है जो आप लोगों ने शुरू के सेमेस्टर्स में कहीं पढ़ी होगी या बीएससी में की होगी, बट स्टिल इट्स प्रीटी इंटरेस्टिंग थिंग। अच्छा अब एक और अप्रोक्सीमेशन हम यहाँ पर यूज करेंगे, और वो अप्रोक्सीमेशन हमारी जिंदगी आसान करने वाली है। अप्रोक्सीमेशन हम यहाँ पर इन इंटीग्रल्स को वैल्यूएट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। आपको ये पता है कि ये जो क्वांटिटी इसके अंदर क्वांटिटीज मौजूद है इन पैरेंथेसिस में,
कनेक्शन कॉफिशियंट्स हैं या वेक्टर्स हैं, कर्व्ड स्पेसेस के अंदर ये कनेक्शन कॉफिशियंट्स क्या पॉइंट टू पॉइंट वेरी कर सकते हैं? आर्बिट्री वेरी करते हैं मैनिफोल्ड में कर सकते हैं? यस सर कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, लेकिन अगर हम किसी लोकल इनर्शियल फ्रेम के अंदर हैं तो, अच्छा अब ये देखें तो जो ये जो चेंज आएगी, क्या ये चेंज बहुत स्मॉल होगी? ये चेंज बहुत स्मॉल होगी क्या? डेफिनेटली आप कोई लोकल अगर फ्रेम कंसीडर कर रहे हैं तो वो जो चेंज है वो बहुत ज्यादा स्मॉल है। वो इतनी ज्यादा आपने स्मॉल लेनी है कि अगर चाहे वेक्टर चेंज होता है तो हो, लेकिन उसका फर्स्ट डेरिवेटिव चेंज ना हो रहा हो। क्योंकि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव चेंज हो रहा है फिर वो लोकल इनर्शियल फ्रेम तो है ही नहीं ना। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? यस सर बिल्कुल समझ में आ रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है इस बात के अंडरस्टैंडिंग में? सर समझ आ गया है। ओके, फिर इस बात का मतलब ये है कि ये जो चीज पैरेंथेसिस के अंदर है ये, इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपको बेसिकली कांस्टेंट नंबर दे देगा, इसके अंदर तो चेंज ही नहीं आ रहा। अगर ये कांस्टेंट है तो मैं इनको इंटीग्रल से बाहर लिख सकता हूँ। चलें इनको इंटीग्रल से बाहर लिख लेते हैं और ये चीज बन जाएगी माइनस पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स वन। स्मॉल चेंज है बट चेंज है तो सही। अच्छा सॉरी एक मिनट, मैं यहाँ पर एक और चीज लिखना मिस कर गया था, मैं वो लिख दूं, डेल्टा ए डेल्टा। अच्छा चेंज आ रही है, बहुत स्मॉल आ रही है, लेकिन एक तो हमने इनको फर्स्ट ऑर्डर तक अप्रोक्सीमेट किया हुआ है तो लिहाजा फर्स्ट ऑर्डर में तो कोई चेंज नहीं आएगी, सेकंड ऑर्डर में आएगी अगर आई भी तो, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर की हद तक तो कोई चेंज नहीं आएगी। ओके सर, तो बेसिकली इसको एक और तरीके से देखते हैं, वो ये कि जो क्वांटिटी है आपके पास यहाँ पर दी हुई है ये वाली चीज, ये ऑलरेडी जी का फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो ये ऑलरेडी एक फर्स्ट ऑर्डर चेंज है, जी का फर्स्ट डेरिवेटिव है ना ये? जी सर, ऑलरेडी एक फर्स्ट ऑर्डर चेंज है, सो फर्स्ट ऑर्डर की चेंज में आने वाली चेंज सेकंड ऑर्डर चेंज है। अब ये तो बेसिकली आप कर ये रहे हैं कि अगेन पार्शियल वन इंटू जी कर रहे हैं, अब ये सेकंड ऑर्डर चेंज है। ठीक है, ओके जी। हम सिर्फ अज्यूम ये कर रहे हैं कि जो सेकंड ऑर्डर चेंज है ये पॉइंट टू पॉइंट सेम रहती है, चेंज नहीं होती। हमने फ्रेम इतने स्मॉल लोकल इतने ज्यादा लोकल इनर्शिया लिए हुए हैं कि ये पॉइंट टू पॉइंट ये चीज तब्दील नहीं होती, जो भी चेंज आ रही है वो आ रही है, वो जीरो नहीं है चेंज, लेकिन वो कॉन्स्टेंट है। ओके सर, ठीक है, वो चेंज जीरो नहीं है, अगर हम जीरो कर देंगे वो तो फिर सिस्टम ही फ्लैट बन गया ना सारा, फिर तो बात का मतलब ही खत्म हो गया जी। तो वो चेंज है लेकिन वो जितनी भी चेंज आ रही है तो वो बहुत स्मॉल है और दूसरा वो कॉन्स्टेंट है, और उसके अलावा जितनी भी हायर ऑर्डर चेंजेस आ रही है वो बहुत ज्यादा स्मॉल होती जा रही है, हम उनको इग्नोर करते जा रहे हैं, हम उन्हें कंप्यूट ही नहीं कर रहे, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन का सिंबल लगा दिया था। सो क्लियर होगी बात? यस सर। सो ये सारा कुछ बाहर ले लेते हैं, डेल्टा ए भी बाहर आ गया यहाँ पर, और अब बी इंटू बी प्लस डेल्टा बी को आपने इंटीग्रेट करना है इस बात पर, और इसी तरीके से डेल्टा पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स टू अल्फा म्यू वन वी म्यू डेल्टा बी ए टू ए प्लस डेल्टा ए और डी एक्स टू। अब देख लें कि ये वाले इंटीग्रल्स आपको क्या दे रहे हैं, ये वाला जो इंटीग्रल है ये आपको सिंपली बी प्लस डेल्टा बी माइनस बी इज इक्वल टू डेल्टा बी देगा, ये वाला इंटीग्रल आपको ए प्लस डेल्टा ए माइनस ए इज इक्वल टू डेल्टा ए देगा। सो ये आपके पास इक्वेशन फिलहाल बन गई, और अब मैं यहाँ पर चले अभी फिलहाल यही लिख देते हैं।
माइनस अभी एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, जी क्लियर है यहाँ तक सर? इसमें माइनस भी आएगा स्टार्ट में? हाँ माइनस भी आएगा, ठीक है थैंक यू। सो अब ऐसा करते हैं कि ये कॉमन ले लेते हैं चीज, और अंदर आपके पास ये प्लस के साथ कॉमन लेते हैं, अंदर आपके पास ये चीज बन गई। अब चूंकि मैं इनके डेरिवेटिव्स ओपन करने लगा हूँ तो मैं अब यहाँ पर ना इसको इक्वल के साथ लिख देता हूँ, क्या मैंने जितने भी अप्रोक्सीमेशन करनी थी कर ली थी, और अभी ये मेरे पास उस ऑर्डर तक एक एग्जैक्ट रिजल्ट आ रहा है। अच्छा अब इसके सिर्फ डेरिवेटिव्स आपने लेने हैं, माइनस वी म्यू आ गया, यहाँ पर डेरिवेटिव लेने इसका पार्शल वन। अब मैं इसकी शॉर्ट हैंड नोटेशन यूज कर रहा हूँ, म्यू टू माइनस ये कनेक्शन कॉफिशिएंट कांस्टेंट, प्रोडक्ट रूल ओपन किया, वी म्यू प्लस वी म्यू पार्शियल टू माइन प्लस क्लियर। यस ठीक है यस सर जी। अब वापस आ जाते हैं जो मैंने शुरू में की क्वेरी लिखी थी, मैंने कहा था कि आखिर में कहीं काम आएगी। यूजिंग अच्छा, अगर आप देखें ये जो चीज है असल में ये है अच्छा, अगर यहाँ पर टू होता तो यहाँ पर टू आ जाना था, तो फिर ये इक्वेशन बन जानी थी, और पार्शियल म्यू वी अल्फा डजंट मैटर कि आपके पास इंडेक्स कौन सी आ रही है, अगर म्यू की जो भी वैल्यू होगी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये चीज बन जाएगी। और सॉरी मैं यहाँ पर इंडेक्स म्यू नहीं ले सकता क्योंकि म्यू तीन दफा आ जाएगा, लेट मी कॉल इट रो। ठीक है तो लिहाजा ये जो फैक्टर आ रहे हैं यहाँ पर ये और ये, क्या मैं इनको इनके इनके कॉरेस्पॉन्डिंग क्रिस्टोफेल सिंबल से रिप्लेस कर सकता हूँ? जी सर कर देते हैं। ठीक तो अब ये चीज आपके पास बन जाएगी, माइनस वी म्यू ये एज इट इज आ गया, पार्शियल वन अल्फा म्यू टू माइनस अल्फा म्यू टू। अब ये पार्शियल वन की जगह हम लिख देंगे क्योंकि ये माइनस का साइन आ रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, अल्फा म्यू वन वी म्यू प्लस वी म्यू पार्शियल टू अल्फा म्यू वन प्लस, और ये माइनस का साइन माइनस कर देगा इसको, अल्फा म्यू वन अल्फा म्यू टू वी म्यू। ठीक है पूरे सिस्टम में से हम कॉमन, पूरी इक्वेशन में से हम कॉमन ले लेते हैं वी म्यू भी, डेल्टा ए डेल्टा बी वी म्यू, और यहाँ पर जो टर्म्स इनको इनकी ऑर्डरिंग चेंज कर लेते हैं वो इस तरीके से कि अब मैं इसको बना देता हूँ अपनी पहली टर्म, लिखने का सिर्फ एक तरीका है, जिसको पहली कर देते हैं इसको दूसरी कर देते हैं
पहले ये दोनों लिखते हैं, पार्शियल टू अल्फा म्यू वन माइनस पार्शियल वन अल्फा म्यू टू, और देन इसको बना देते हैं तीसरी टर्म और इसको बना देते हैं चौथी टर्म, प्लस ओह गाइस कैन यू फिगर आउट अ मिस्टेक इन माय इक्वेशन इन टर्म थ्री एंड फोर. सर ये सेम टर्म्स हैं थ्री एंड फोर. ना सेम तो हो गए लेकिन बहुत गलती की वजह से सेम. काउंट द नंबर ऑफ इंटरवल्स, म्यू म्यू कितनी दफा आ रहा है टर्म नंबर थ्री में? सर तीन बार. तीन बार आ रहा है और तो लिहाजा मुझे फिर यहाँ पर इसको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मैं इस म्यू को चेंज नहीं कर सकता क्योंकि इस सेकंड वाले म्यू वन को, क्योंकि ये वी म्यू के साथ आ रहा है, तो लिहाजा मैं अब इसको इस म्यू को सॉरी इस म्यू को रिप्लेस कर देता हूँ न्यू के साथ. इसी तरह मुझे यहाँ पर भी करना पड़ेगा क्योंकि ये म्यू तो इस वी म्यू के साथ आ रहा है, लिहाजा मैं इसको रिप्लेस नहीं कर सकता. जो मैंने जो मेरा ओरिजिनल आ रहा था इक्वेशन के अंदर मैं उसको चेंज करता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ न्यू वन. ठीक है अब चेंज हो गई, चेंज होगी ना इक्वेशंस जी. तो बस आपने भी बड़ा ध्यान रखना है इंडिसेस का लिखते वक्त, खासतौर पर इस तरह की इक्वेशंस में ना ये इंडिसेस बहुत मिक्स हो जाती हैं, लेकिन ये फिर पूरे ही ना गड़बड़ कर देती हैं पूरे सवाल को. चलो भाई ये बन गई हमारी इक्वेशन, इसको हम जरा अंडरलाइन करना बॉक्स करते हैं, बड़ी मजेदार चीज बन गई है अब हमारे पास. ये वेक्टर में आने वाली चेंज है, ये वो चेंज है जो सो ये कोई ना आपको असल में ये वाली चेंज बता रही है. This delta v alpha. Isn't this interesting कि कितनी इस चेंज को बताने के लिए हमें कितना मुश्किल काम करना पड़ा अब तक. लेकिन अभी तक का मसला ये कि अभी मैंने ये सारा काम किया सिर्फ दो coordinates में, अब मैं जिसको करना है generalize. और generalize करते हुए मुझे दो important चीजों पे ध्यान देना है. एक तो ये कि मेरे पास number of coordinates कुछ भी हो सकते हैं, x1 और x2 की जगह कुछ भी आर्बिट्रेरी कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं. तो लिहाजा मैं कुछ एक तो चेंज ये करता हूं कि मैं अब कह देता हूं कि x1 की जगह कोई भी आर्बिट्रेरी कोऑर्डिनेट x सिग्मा है और x2 की जगह कोई भी आर्बिट्रेरी कोऑर्डिनेट x लैम्डा है. सो ये आपने पहली चेंज कर दी है इसमें. दूसरी चेंज ये करनी है कि बेसिकली जब आप x के अलोंग काम कर रहे थे तो डायरेक्शंस भी चेंज हो रही थी. x के अलोंग आने वाली चेंज डेल्टा a, x1 के अलोंग आने वाली चेंज सो बेसिकली जब आप बात कर रहे थे डेल्टा x1 की तो ये कॉरेस्पॉन्ड कर रहा था डेल्टा a को और डेल्टा x2 कॉरेस्पॉन्ड कर रहा था डेल्टा b को. अब आप x1 और x2 नहीं ले रहे, अब आप कोई जनरल वेक्टर्स ले रहे हैं जिनकी और ये तो लिहाजा और जिनकी डायमेंशन कुछ भी हो सकती हैं. तो लिहाजा आपको सबसे पहले इन कोऑर्डिनेट वेक्टर्स को जनरलाइज करना है. तो चले मैं कह देता हूँ कि पॉइंट ए का जो वेक्टर था वो असल में ये बन रहा था, ये उसके कंपोनेंट्स और ये उसका बेसिस वेक्टर. सो इस चीज को मैं नाम दे देता हूँ ए सिग्मा का. इसी तरह मैं कह देता हूँ कि बी के लॉन्ग जो वेक्टर्स आ रहे थे वो आपके पास बन गए थे डेल्टा बी ई लैम्डा. ठीक है यहाँ तक बात समझ में आ गई? Yes, sir. तो लिहाजा अब आप यहाँ पर चेंज असल में क्या कर रहे हैं, आप चेंज ये कर रहे हैं कि इसको रिप्लेस कर देंगे ए सिग्मा के साथ और इसको रिप्लेस कर देंगे बी लैम्डा के साथ. अच्छा यहाँ पर एक और चीज वैसे हमें अभी देखनी चाहिए, एक तो वो ये देखना चाहिए कि इस इक्वेशन में जो डेल्टा वी अल्फा है ये प्रोपोर्शनल है डेल्टा ए डेल्टा बी के, बाकी तो जो भी टर्म्स आ रही हैं वो आ ही रही हैं लेकिन ये डायरेक्शनल कंपोनेंट जो आ रहे हैं ये उनके प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल आ रही है चीज. ये फिजिकली क्या बता रही है आपको इस डायग्राम को देख के बताएं. इस डायरेक्शन में आने वाली चेंज डेल्टा
ए है इस डायरेक्शन में आने वाली चेंज, डेल्टा बी है, और अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट ले रहे हैं तो ये क्या बन रहा है? एरिया, एरिया, एग्जैक्टली एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, क्रॉस प्रोडक्ट, याद आ गया? यस सर, ये बेसिकली हमने वही कुछ ही किया हुआ है, क्योंकि ये जो क्रिस्टोफेल सिंबल्स होते हैं ये असल में लेवी सिविटा कनेक्शन है, लेवी सिविटा कनेक्शन अपग्रेडेशन है लेवी सिविटा टेंसर की टू सम एक्सटेंट, और लेवी सिविटा टेंसर यूज होता है क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के लिए, और क्रॉस प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करता है एरिया। सो दैट्स व्हाई यहां पर ये इतना इंटरेस्टिंग फीचर हमें मिल रहा है। सो अब हमने करना बस ये है कि इस इक्वेशन के अंदर ये सारी रिप्लेसमेंट्स कर देनी है, जहां जहां पर वन आ रहा है वहां पर सिग्मा लगा दें, जहां पर टू आ रहा है वहां पर लैम्डा लगा दें, और डेल्टा ए डेल्टा बीटा को करस्पॉन्डिंग वेक्टर से चेंज कर दें। चलें ये सारा कुछ करते हैं। अब मैं ये सारा कुछ बस डायरेक्ट अब लिख देता हूँ, आप लोग ऊपर से खुद ही कम देख लीजिएगा। अल्फा म्यू सिग्मा माइनस सिग्मा अल्फा म्यू लैम्डा, ये डेफिनेटली इक्वेशन जुबानी याद, लोगों ने क्या रखने याद रखने के तरीके भी निकाले हुए हैं, लेकिन आपको ये जुबानी याद रखने की जरूरत नहीं है। ये इक्वेशन मैं आपको पेपर में सारी दूंगा, प्रोवाइड करूंगा, ऑल द इंडेक्सेस कुछ भी हो सकते हैं वहां पर, इट डजंट मैटर, इंडेक्सेस तो सिर्फ हमारी नोटेशंस हैं। अल्फा न्यू सिग्मा न्यू म्यू लैम्डा वी सिग्मा सॉरी वी म्यू ए सिग्मा, अब हम इसको प्रॉपरली करते हैं शेप बॉक्स्ड। सो ये जो क्वांटिटी अब आ रही है ये वाली स्क्वायर ब्रैकेट्स में, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। अब ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वांटिटी क्यों है? Because it is the measure of curvature. और हम इस क्वांटिटी को कहते हैं रिमान कर्वेचर टेंसर। रिमान वॉज अ मैथमेटिकल जीनियस, बहुत बड़ा मैथमेटिशियन है, आई गेस 19th सेंचुरी का। दिस इज कॉल्ड रिमान कर्वेचर टेंसर। ये टेंसर आपको असल में बताता है कि किसी सरफेस में कितना कर्वेचर मौजूद है। अच्छा, इसके लिए एक स्पेशल नोटेशन है। सो ये अब मैं इसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिखने लगा हूँ। मैथमेटिक्स, ये बेसिकली ये चीज इक्विवेलेंट है, इसका सिंबल है आर। इसमें कितने इंडेक्सेस आएंगी? अब राइट हैंड साइड पर कितने इंडेक्सेस मौजूद हैं? Three, four. तो इसमें चार इंडेक्सेस हैं। अपर इंडेक्स कौन सी है सब में? अल्फा, जो आपका ओरिजिनल वेक्टर था, तीन अल्फा आ गया। अब आपने नीचे तीन इंडेक्सेस देनी है, और वो हम लिख लेते हैं कौन कौन सी आएंगी वो तीन इंडेक्सेस, न्यू लैम्डा म्यू। ये तीन इंडेक्सेस मैं इस ऑर्डर में उठा रहा हूँ, सॉरी एक मिनट, म्यू न्यू लैम्डा सिग्मा, क्योंकि म्यू तो ऑलरेडी आपका वेक्टर था, डायरेक्शनल ऐड करनी है यहाँ पर सिग्मा। ठीक है, यस सर। So, ये आपके पास है रिमान कर्वेचर टेंसर। और अब हम बस इसकी हमने ना आपको एक दो कुछ प्रॉपर्टीज देखनी है, इसके असर में नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कैलकुलेट करने हैं, और फिर हमारा आज का लेक्चर एंड है, और देन हम देखते हैं कि इसको हम कर्वेचर टेंसर कह क्यों रहे हैं, हमें अभी भी कैसे कंफर्म है कि ये हमें कर्वेचर ही बता रहे हैं। तो उसकी बहुत सारी चीज, उसको बहुत मुख्तलिफ तरीकों से देखा जा सकता है, लेकिन हम इसको एक बड़ी ही एक कोइंसिडेंटल वे में देखेंगे जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अच्छा, यहाँ तक
क्लियर है ये डेरिवेशन सारी और ये सारी बात यहाँ तक? यस सर। तो ये जो टेंसर है, मैंने आपको पहले भी हमने किसी लेक्चर में बात की थी कि जब मैं वेक्टर्स कह रहा हूँ, वन फॉर्म कह रहा हूँ, टेंसर्स कह रहा हूँ, तो मैं इनसे मतलब फील्ड्स ले रहा हूँ। फील्ड्स वो चीज होती है जो किसी भी सरफेस के ऊपर हर पॉइंट के ऊपर डिफाइंड होती है। तो ये जो कर्वेचर टेंसर है, ये असल में एक टेंसर फील्ड की रिप्रेजेंटेशन है। ये वो टेंसर फील्ड है जो इस स्फीयर पे या इस कोऑर्डिनेट ग्रिड के ऊपर हर पॉइंट पर डिफाइंड है। जैसे ये डायग्राम है, हर पॉइंट के ऊपर जो मर्जी पॉइंट ले लें, हर पॉइंट के ऊपर यहाँ पर ये टेंसर डिफाइंड है और वो आपको बता रहा है कि इस पॉइंट के ऊपर इसका क्या कर्वेचर मौजूद है। सो इट्स जस्ट टेंसर फील्ड, कर्वेचर टेंसर फील्ड। अच्छा, एम एन नोटेशन के अंदर ये कौन सा टेंसर है? ये 01 है, 02 है, 12 है, कौन सा है ये टेंसर? 13 टेंसर है। 13 टेंसर का मतलब ये है कि इसको कितने वेक्टर्स चाहिए? 3 वेक्टर्स। और कितनी वन फॉर्म चाहिए? 1 1 फॉर्म। तो ये आपको फिर क्या देगा? स्केलर नंबर, कोई स्केलर नंबर जो कि रियल होगा। अब ये जो 3 वेक्टर्स हैं, ये कौन से वेक्टर्स हैं? क्या हमने ये वेक्टर्स इस कोऑर्डिनेट ग्रिड में दिए हुए कहीं पर? इसको देखें यहाँ पर, सर स्टार्ट में तो एक ही था वेक्टर। हाँ, एक वेक्टर तो वो गिवन है, वी हो गया आपके पास। बाकी दो वेक्टर्स कौन से हैं? बेसिकली बाकी दो डायरेक्शंस कौन सी हैं? ए से बी और बी से सी और फिर सी से डी। और वो तो सेम है ना, सी से डी और डी से ए तक, तो जो वही हैं जो ए से बी और बी से सी। तो ये असल में 3 वेक्टर्स, एक तो आ गया आपके पास बी म्यू और बाकी दो वेक्टर्स ये रहे डायरेक्शंस के तौर पर आपने प्रोवाइड किए हुए हैं। ठीक है? यस सर, ठीक है। एक आपके पास आ गया वी, एक आपके पास आ गया ए और एक आपके पास आ गया बी, जिसको आपने ए सिग्मा माँ का, इसको आपने ए लैम्डा बी। ये 3 वेक्टर्स हैं। अच्छा, हम यहाँ पर इसको दे देते हैं कोई वन फॉर्म दे देते हैं। तो मैं इसको अपना यहाँ पर एक बेसिस वन फॉर्म दे देता हूँ। सो लेट मी कॉल दैट। अच्छा, अगर मैं इसको, अच्छा मैं ये सारी चीजें इसको दूंगा तो मुझे कोई स्केलर नंबर मिल जाएगा। लेकिन लेट्स सपोज कि मैं इसको सिर्फ 3 वेक्टर प्रोवाइड करता हूँ इस कर्वेचर टेंसर को, ये चीज सिर्फ देता हूँ इसको, ये वी दे देता हूँ, इसको ये ए दे देता हूँ, ये बी दे देता हूँ, ये मुझे अब यहाँ पर क्या प्रोवाइड करेगा? कोई वेक्टर देगा, कोई 10 टेंसर देगा, देन इस 10 टेंसर के ऊपर ये बेसिस वन फॉर्म एक्ट करेगी और यहाँ पर फिर मुझे क्या देगी? इसके कंपोनेंट्स, कोई रियल नंबर। ठीक है? यस सर, ठीक है। बस समझ में आ गई ना, ये वही चीज है जो हम पहले पढ़ चुके हैं बारहा, हमने 2-3 हफ्ते इसी को स्पेंड भी किए थे चैप्टर नंबर 3 शूट्स का। सही है बात यहाँ? yes, sir. अच्छा, चलें अब हम ना हम देखते हैं कि हमने शुरू कहाँ से किया था और हम कहाँ तक पहुंचे हैं। हेरिस्टिकली, ये सिर्फ मैं कंपैरिजन दे रहा हूँ हेरिस्टिकली सारी चीजों का। हमने शुरू किया था इस जी से, देन हमने इस जी को इस्तेमाल करके कनेक्शन कोएफिशिएंट्स किए जो कि मैट्रिक के फर्स्ट डेरिवेटिव से, देन हमने इसको इस्तेमाल करके कर्वेचर टेंसर कैलकुलेट किया जिसमें बेसिकली फर्स्ट डेरिवेटिव आ रहे हैं कनेक्शन के। और ये फिर बन गया मैट्रिक के सेकंड डेरिवेटिव। अब देखें, आपने कुछ लेक्चर्स पहले बात की थी कि आप चाहे जो मर्जी कर लें, मैट्रिक के सेकंड डेरिवेटिव जीरो नहीं होते, सारे के सारे जीरो नहीं होते, 20 नॉन जीरो रहते हैं। ये बात की थी ना हमने?
यस सर। और इंटरेस्टिंगली रिची टेंस जो क्रिवेचर टेंसर है, रिमान क्रिवेचर टेंसर, वो भी मैट्रिक के सेकंड डेरिवेटिव के साथ ही कनेक्टेड है। अब हम ये दरमियान वाला कनेक्शन ढूंढने की कोशिश करते हैं कि दरमियान में ये कनेक्शन क्या है, लेकिन वो कनेक्शन ढूंढने के लिए ना हमें बस थोड़े सी इस टेंसर के ऊपर ध्यान देना होगा। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम वो देखते हैं कि वो क्या आती हैं। अच्छा पहले ना हम एक काम ये करते हैं, अच्छा ये ना बेसिकली हम बात करेंगे कुछ सिमेट्रीज की, सिमेट्रीज ऑफ आर अल्फा, और क्या थी हमने इंडेक्सेस यूज की थी, चले कुछ भी लिख लेते हैं, सिमेट्रीज ऑफ आर लैम्डा बीटा म्यू कर लेते हैं। चलिए अब अगर मैं आपको ये कहूं कि मैंने किसी तरीके से इस लैम्डा को नीचे लेके आना है तो कैसे लाऊंगा, मतलब मैं ना इस लैम्डा को नीचे ला के ये चीज बनाना चाह रहा हूँ तो क्या करूंगा इंडेक्स को ऊपर से नीचे लाने के लिए, कोई मैट्रिक टेंसर अप्लाई करवाऊंगा जी सर, लैम्डा को नीचे लाना है, नीचे लाके किस इंडेक्स से रिप्लेस करना है अल्फा, क्लियर? यस सर। बेसिकली दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रिमान क्रिवेचर टेंसर, ये भी हम वाइडली यूज करते हैं रादर देन के एक मिक्स टेंसर के बजाय हम इसको 04 टेंसर के तौर पर। अच्छा अब इसमें कितनी इंडेक्सेस आ रही हैं, चार, चाहे आप ये फॉर्म ले लें चाहे आप ये वाली फॉर्म ले लें, दोनों में चार से इंडेक्सेस आ रही हैं, तो टोटल कंपोनेंट्स कितने होने चाहिए? 4 × 4 × 4 × 4। हाँ ठीक है, अच्छा लेकिन अभी हम देखना मुश्किल पड़ने वाले 4 × 4 = 56 जी सर, यानी कि आपको इस डायग्राम पे वापस ऊपर इस वेक्टर में आने वाली चेंज कैलकुलेट करने के लिए कितने कंपोनेंट्स कैलकुलेट करने पड़ रहे हैं, बेसिकली कितनी इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ रही है, फिर 256 इक्वेशन सिर्फ आपने ये चेंज कैलकुलेट करने के लिए फाइंड करनी है। यस सर, क्या ये तो कोई मजाक नहीं हो रहा फिर तुम्हारे साथ, मतलब एक चेंज कैलकुलेट करने के लिए 256 इक्वेशन, सर फिर अब क्या करें? अब क्या करें, अब हम देखते हैं कि असल में कुछ हमने पीछे पूरा एक बैकग्राउंड डेवलप किया था कि कोई कनेक्शन लिया था और फिर हमने कहा था कि वो मैट्रिक के साथ जनरल रिलेटिविटी में एक यूनिक कनेक्शन एसोसिएटेड होता है जिसको लेविट-चिविटा कनेक्शन कहते हैं, उसके सिंबल्स लेविट-चिविटा सिंबल्स होते हैं, और फिर हमने उस लेविट-चिविटा कनेक्शन कोएफिशिएंट्स की कहा था कि उसकी इंडेक्सेस हैं वो सिमेट्रिक होती हैं, मैट्रिक भी आपका सिमेट्रिक है, ये जो सारी बातें हम लोग पहले कर चुके हैं उन सारी बातों को इस्तेमाल करके हम लोग इसकी ना सिमेट्रिक्स को चेक करते हैं। और मैं यहाँ पर सिर्फ सिमेट्रिक्स के बारे में बताऊंगा, मैं उनको खुद चेक नहीं कर रहा हूँ, ये बड़ा एक टीडियस किस्म का टास्क है इनको देखना, इनको प्रूव करना, बट ये आपको पता होना चाहिए और अगर कभी टाइम मिले आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं। पहली सिमेट्री इसकी ये है कि ये जो इसकी ये बेसिकली इंडेक्सेस के दो पेयर हैं, एक अल्फा बीटा है और एक म्यू न्यू एक पेयर है। अगर मैं सॉरी इसको ना ये दो पेयर्स हैं, मैं इनको डिफरेंट कलर से लिख रहा हूँ, ये इंडेक्सेस के पेयर्स हैं। अगर मैं इसकी पहली दो इंडेक्सेस को शिफ्ट करता हूँ, स्विच करता हूँ, मैं यहाँ पर बीटा अल्फा लिख देता हूँ और मैं इन दोनों इंडेक्सेस को कुछ भी नहीं कर रहा, मेरे पास यहाँ पर एक माइनस का साइन आ जाएगा, ये इसकी पहली सिमेट्री है। सिमिलरली अगर मैं इनकी पहली दो इंडेक्सेस को कुछ नहीं कर रहा और अगली दो इंडेक्सेस को, बल्कि ना चूंकि मैं जिन इंडेक्सेस को छेड़ ही नहीं रहा मुझे उनके लिए फिर सिंबल इनके लिए कलर भी चेंज नहीं करना चाहिए, सो ये सिर्फ म्यू न्यू है। अगर मैं इनकी अगली दो इंडेक्सेस को चेंज कर रहा हूँ, स्विच कर रहा हूँ, पहली दो को नहीं कर रहा, तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए, फिर एक माइनस का साइन आ जाना चाहिए, ये इसकी कॉर्ड सिमेट्री है। अगर मैं दोनों इंडेक्सेस को स्विच कर देता हूँ, अच्छा अल्फा बीटा म्यू न्यू
और यहां पर मैं लिखता हूं बीटा अल्फा न्यू म्यू, तो दो दफा माइनस का साइन आना था, इसकी वजह से यहां पर क्या आएगा पॉजिटिव। ठीक है यस सर। अच्छा अब अगर एक और सिमेट्री है इसकी, वो ये के अगर मैं ये दो पेयर्स है मेरे पास मैं इन पेयर्स की पोजीशन को चेंज कर देता हूँ, यहां पर मैं म्यूनो पहले म्यूनियो लिख देता हूँ बाद में अल्फा बीटा लिख देता हूँ, फिर भी इसका साइन चेंज नहीं होता, ये एक और सिमेट्री है इसकी। क्लियर जी सर। ये सारी चीजें मैथमेटिकली चेक की जा सकती है लेकिन ये चूंकि चार इंडेसेस हैं और ये 256 कंपोनेंट्स हैं जिनको फिर आपको देखना पड़ता है, तो ये बहुत एक टीडियस टास्क है, लेकिन 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 हम मतलब कंप्यूटर प्रोग्राम्स के थ्रू इनको चेक कर सकते हैं, वो आपको सारे इंडेसेस निकाल के दे देगा और फिर आप देख सकते हैं कि अच्छा कौन कौन सी बराबर आ रही है कौन सी नहीं आ रही, मतलब कोई सिंपल मैट्रिक ले लें, चाहे वो ले लें आप मैट्रिक पोलर कोऑर्डिनेट्स का ले लें, तो जिसमें टाइम आर थीटा फाइव मौजूद हो और देन उसके लिए करके देख लें। बहरहाल अब एक प्रॉपर्टी इसकी ये है कि अगर इसकी आखिरी तीन इंडेसेस बीटा म्यू न्यू को की मुख्तलिफ परमुटेशंस यहाँ पर लिखी जाए, मतलब इस बात से मुराद ये है कि आपके पास सो ये बीटा, इस डायग्राम से आपको जरा देखने में आसानी होगी, इसके मुख्तलिफ परमुटेशन लिखते हैं, पहले बीटा म्यू न्यू, फिर अगली परमुटेशन आ जाएगी म्यू न्यू बीटा, और अगली परमुटेशन आ जाएगी न्यू बीटा म्यू, आपको जीरो देखते हैं इनका सम। और देन एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी मौजूद है जिसको हम नाम देते हैं बयान की आइडेंटिटीज का, मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज होती हैं फील्ड थ्योरी के अंदर और ये इवन जनरल रिलेटिविटी में भी, क्योंकि ये टेंसर फील्ड्स हैं, लेकिन इनको हम बराह रास्त डिस्कस नहीं करेंगे, बट ये एक ऐसी आइडेंटिटी है बयान की आइडेंटिटी के, इसके थ्रू हम सारी इक्वेशंस रिकवर कर सकते हैं अपनी जो भी हम लोग ड्राइव करते आ रहे हैं स्कूल्स में अब तक। बट खैर मतलब अगर मैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के लिए लिखूं तो मैं वहां से सारी की सारी मैक्सवेल इक्वेशंस निकाल सकता हूँ एक आइडेंटिटी के थ्रू सिर्फ। बहरहाल सो बयान की आइडेंटिटी इस फॉर्म में होती है लैम्डा आर, इसमें पांच इंडेक्सेस आ जाते हैं, एक डिफरेंशियल की इंडेक्स आती है अल्फा बीटा म्यू न्यू प्लस न्यू आर अल्फा बीटा लैम्डा म्यू नेपला म्यू आर अल्फा बीटा न्यू लैम्डा, ये चीज भी जीरो होती है। तो ये कुछ इसकी सिमेट्रीज हैं जो हमें पता है, तो एक दो तीन चार पांच छह सिमेट्रीज हैं। जब आप ये सारी की सारी सिमेट्री जस्ट अ मिनट मेरे कॉल आ गई थी जिसकी वजह से आई थिंक मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, लेट मी रीजॉइन फ्रॉम मोबाइल ताकि मैं स्क्रीन शेयर कर सकूं। अच्छा आप लोग मुझे इतनी देर ये बताएंगे कि हम कहाँ पर थे। हफ्सा आप क्योंकि आप इस वक्त, अच्छा ठीक है मैं वापस होस्ट बन गया हूँ। जी सर आप में से कुछ मुझे बताएगा कि हम लोग कहां पर स्क्रीन डिस्कनेक्ट हो गई थी। अच्छा यहां पर हमने कहां तक डिस्कस कर लिया था। सर इससे आगे ऊपर थोड़ा सा हमने ये वाली आइडेंटिटी डिस्कस कर ली थी। ये वाली आइडेंटिटी सर बयान की तो हम यहाँ पर थे जिस वक्त स्क्रीन डिस्कनेक्ट हुई थी। जी सर ओके सो मैं बात ये कर रहा था कि बयान की आइडेंटिटी फील्ड थ्योरी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज होती हैं, मतलब अगर आप मुझे
मैक्सवेल इक्वेशंस के लिए बयान की आइडेंटिटी दे देते हैं, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के लिए एक बयान की आइडेंटिटी दे देते हैं, तो मैं उसके जरिए पूरी की पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी ड्राइव कर सकता हूँ, मैक्सवेल इक्वेशंस, कूलम लॉ, एम्पीयर्स लॉ, जो भी चीजें आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो इसी तरीके से ये इधर भी बहुत इंपॉर्टेंट है जनरल रिलेटिविटी के अंदर, लेकिन डेफिनेटली हम इनको बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर रहे, मैंने सिर्फ एक आइडेंटिटी लिखी क्योंकि ये भी कुछ सिमेट्रीज इम्पोज करती है आपके कर्वेचर टेंसर पे। तो ये टोटल बनती है 1, 2, 3, 4, 5, 6 आइडेंटिटीज बनती है आपके पास। जब हम 6 की 6 आइडेंटिटीज इम्पोज करते हैं कर्वेचर टेंसर पे, तो हमारे पास नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट्स बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट्स पहले कितने आ रहे थे आपके पास, 256, लेकिन आफ्टर अप्लाइंग, आफ्टर इम्पोजिंग ऑल ऑफ दीज सिमेट्रीज, आपको कितनी नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉम्पोनेंट्स मिलते हैं, वो है टोटल नंबर ऑफ, कितने हो सकते हैं आपके ख्याल में, 50? Still, it's a very large number. They are just 20. 15. 20. इस 20 को देख के कुछ याद आ रहे? Yes, sir. जो पीछे extra थे. Exactly. Okay. ये वो ही 20 components हैं जो zero नहीं हो रहे थे। अभी हमने ये देखा था कि curvature tensor metric के second derivative के साथ linked है। और सेकंड ये 20 सेकंड डेरिवेटिव्स हैं जो उस वक्त नॉन जीरो रहते थे, ठीक है जी सर। तो लिहाजा जब हम ये सारी सिमेट्रीज इंपोज करते हैं तो हमारे पास एक्जेक्टली 20 नॉन जीरो कंपोनेंट्स आते हैं, और ये 20 नॉन जीरो कंपोनेंट्स वही नॉन जीरो डेरिवेटिव्स हैं। सो अब यहां पे मैं आके फिर ये बात स्टेट कर सकता हूं, अब हम इस पोजीशन में हैं कि हम ये बात स्टेट कर सकें, these 20 independent components of Riemann curvature tensor measure curvature, these are those 20 non-20 second derivatives of metric which remained non-zero after imposing all the conditions, all the available, जितने भी conditions हमारे पास available थी वो हमने सारी वहां पर लगा दी थी, फिर भी ये zero नहीं हो रहे थे, ठीक है? Yes sir. तो बस मैं एक चीज और करूंगा आखिर में और then इसको बस wind up कर देंगे, एक मिनट का काम है, वो ये कि रिमान कर्वेचर टेंसर को हम एक और तरीके से भी कंप्यूट कर सकते हैं एक कम्यूटेटर के थ्रू, और वो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बुक्स में लिखा हुआ है इसलिए मैं लिख रहा हूँ, लेकिन इसकी इसको हम डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे। वो ये कि आपके पास कोवेरिएंट डेरिवेटिव्स का कम्यूटेटर है, आप इस डेरिवेटिव को अप्लाई करते हैं किसी वेक्टर फील्ड इसके ऊपर और आपको मिलता है, कम्यूटेटर ओपन कर लें, माइनस ये चीज बनती है, और जब आप इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करते हैं तो फिर आपको कुछ ये फॉर्म मिलती है, न्यू म्यू न्यू अल्फा बीटा वी न्यू। तो ये एक और तरीका है रिमान कर्वेचर टेंसर को कैलकुलेट करने का। बहरहाल हम इसको इस रिलेशन को बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, ये मैंने सिर्फ इसीलिए लिखा है कि अगर आप लोग आई डोंट नो कि क्वांटम मैकेनिक्स में अगर आप लोग कम्यूटेटर्स को डिस्कस कर रहे हैं तो आपको देन पता होना चाहिए इन चीजों का भी, ये ऐसे भी हो सकता है। सो ये हमारा आज का लेक्चर था, मैं रिकॉर्डिंग पॉज करने लगा हूँ, फिर हम कुछ और चीजें देख लेते हैं, आपके क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं।